और कानपुर की आर्यनगर सीट प्रचंड मोदी लहर के बीच भी सपा के खाते पे गई और अमिताभ वाजपेयी इस सीट से विधायक बने। अमिताभ वाजपेयी 2022 में भी इस सीट पर फिर से जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल अमिताभ वाजपेयी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार भाजपा पर हमलावर है। कानपुर की आर्यनगर सीट से सपा के मौजूदा विधायक अमिताभ वाजपेयी मैदान में, जो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और भाजपा की ओर से इस सीट पर प्रत्याशी बदलने को लेकर निशाना साधते दिख रहे हैं। आर्यनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक को एक बार फिर से मैदान पे उतार दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आर्यनगर में प्रत्याशियों की अदला बदली कर दी है। आर्यनगर के वर्तमान विधायक अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अमिताभ जी, आपके खिलाफ जो प्रत्याशी पिछली बार थे उनको बदल दिया गया है, क्या लगता है क्यों बदला गया और क्या चल रहा है आपका? हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो गई है। जब उनके यहाँ भगदड़ शुरू हुई, जो उनके असंतुष्ट विधायक, उनके बड़े बड़े नेता, उनके मंत्रियों ने सपा का रुख कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। हम लोग सुनते थे कई विधायकों का टिकट काट रहे हैं, ये अपनी जो आक्रमणता रही है, जो अपनी नकारात्मकता रही है उसको विधायकों के सर थोपना चाहते थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के तेवर दिखाई पड़े, जनता में बदलता हुआ मूड दिखाई पड़ा तो ये लोग पीछे हट गए, डर गए ये। और जो हम दो करंट विधायक थे, इरफान सोलंकी शीशामऊ से, हमार नगर से, ये लोग लगातार हम अखबारों में पढ़ रहे थे पिछले साल दो साल से कि हारी हुई सीटों के लिए योजना बना रहे हैं, पर आखिर में इनकी सारी योजना फेल हो गई, ये कुछ नहीं कर पाए। दो हारे हुए लोगों को आपस में अलट पलट दिया है। मैं समझ ही नहीं पा रहा, जो हमसे हारा उसको उन्होंने MLC बनाया 6 साल के लिए और 1 साल के कार्यकाल में ही उसको दोबारा चुनाव लड़ने भेज दिया। कानपुर की आर्यनगर सीट पर भाजपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी को उतार कर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि सपा के मौजूदा विधायक अमिताभ वाजपेयी की माने तो इसकी वजह से उन्हें नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार अपना बनाया है वो ब्राह्मण जात से बना दिया है, क्या लगता है कि ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण होने वाला है आपकी कंस्टिट्यूएंसी में? क्या किस तरीके के समीकरण को देख रहे हैं, क्या होने वाला है आपके? देखिए, हम लोग जातियों पर बात करते नहीं है कभी, लेकिन ये जो सवाल आपने कहा है इसके बारे में चर्चा अक्सर जो चौराहों पर लोग बैठे होते हैं समय काट रहे होते हैं वो करने लगते हैं। तो आज 4 बजे मैं अपने साथियों से फेसबुक लाइव होने जा रहा हूं ताकि इस तरह की बातों से लोग बचे हैं। लेकिन अगर जातियों के आंकड़े के खेल को समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इससे ज़्यादा हमारे दृष्टिकोण से अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। जिन जातियों को इन्होंने लगातार अपना गुलाम समझा, जिन लोगों से दरी बिछवाई, जिन लोगों से चंदा लिया, जिनकी मदद से इस पार्टी जानी जाती है, वो व्यापारी समाज, वो सारी जातियां आज अपने को ठगा महसूस कर रही हैं और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो रही हैं, इसलिए ये चुनाव कहीं दिखने नहीं जा रहा है। हमने तो अपने साथियों से बहुत एक लाइन में कहा कि जिनको लाया ही गया है जबरदस्ती, अब बताओ उनकी क्या है हस्ती। भले ही कानपुर की आर्यनगर सीट से मौजूदा सपा विधायक अपने हौसले बुलंद बता रहे और जीत का पुख्ता दावा कर रहे, लेकिन इस सीट से जीत किसकी होगी इसका फैसला तो जनता के ही हाथ है। कानपुर के आर्यनगर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगापुर।